देखो हम बात कर रहे हैं मेटल प्रोटॉन एसिड रिडक्शंस की। इस रिडक्शन में मेटल आपको इलेक्ट्रॉन देगा और एसिड आपको प्रोटॉन देगा, दोनों की बराबर जरूरत है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेटल मेटल आयन बना लेगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके एनायन बनाएगा। उस एनायन में एच प्लस अटैक करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बना देगा। तो एक तरह से रिडक्शन हो गया। तो मैं आपको एक चीज फिर बताना चाहता हूं, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मेटल का, और किसका रिडक्शन हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहां डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, इस तरह के आपको ये बॉन्ड दिखेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा मेटल रिडक्शंस। ठीक है, अगर स्पेसिफिक रहा कुछ इस तरह का बना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ही रह जाता है, सिंगल बॉन्ड तक नहीं जा पाता। यानी कुल मिला के पाई बॉन्ड का किसमें कन्वर्जन होना, सिग्मा बॉन्ड में। अब आगे बात आती है, ये जो रिडक्शन होता है इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है वो एंटी होती है। तो अगर एल्काइन है और सिर्फ एल्कीन तक बन रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखेगा, ट्रांस एल्कीन। अगर एल्काइन से देखोगे तो ट्रांस एल, लेकिन शर्त यह है कि वो एल्कीन तक ना जाए। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट है, चलिए देखते हैं। तो कुछ ऐसे ही रिडक्शन है जो अलग अलग मेटल और एसिड के साथ लिए हैं, उनके नाम भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज रिडक्शंस। इसके लिए मैं सोडियम या लिथियम में से कोई एक मेटल ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव लेने की जरूरत नहीं है। और बेस ये तो रहा मेटल, और एसिड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ले रहा है मेरे को, या तो NH3 ले रहा हूँ या एल्कोहल ले रहा हूँ, दोनों ही वाटर से कम एसिडिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लेना है, अनकंट्रोल वे में चलेगी। तो ये एक ब्रिज रिडक्शन है और ये एक लिमिटेड रिडक्शन है। लिमिटेड रिडक्शन का मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड को डबल में चेंज करेगी, लेकिन उसके बाद नहीं करेगी क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एक्टिव एसिड नहीं लिया है ना मेटल लिया है। इज दैट क्लियर? तो ये एक स्पेसिफिक रिडक्शन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करना। तो जब आपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल में लिया है, एंटी एडिशन हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ट्रांस ही मिलेगा, ट्रांस एल्कीन ही मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एक्टिव एसिड नहीं लिया है तो आपका एल्कीन किसमें चेंज होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, नॉर्मल एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर एल्कीन कॉन्जुगेट में लाइक दिस, तो कॉन्जुगेट एल्कीन एल्काइन की तरह ट्रीट करेगी, बीच वाला बॉन्ड बन जाएगा, यानी शिफ्टिंग होगी और आपके पास एक तरह से एल्कीन बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन। समझ में आया? लेकिन सिर्फ कॉन्जुगेट, अगर बीच में एक भी कार्बन और बढ़ गया तो फिर रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ कॉन्जुगेट एल्कीन। इसलिए मैंने लिखा है कॉन्जुगेटेड एल्कीन रिड्यूस इन नॉर्मल एल्कीन बाय ब्रिज रिडक्शन। बेंजीन में कॉन्जुगेट एल्कीन है, अगर इन दोनों का कॉन्जुगेशन से एल्कीन बनेगी तो यहां पाई बॉन्ड आएगा ये वाली, और इन दोनों के से रिडक्शन हुआ तो ये दोनों पॉइंट यहां आएगा, यानी ये वाले एल्कीन बेंज, अब ये एल्कीन बन गया, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो डाई एल्कीन बोल दो यार। तो यहां आपके पास क्या अब ये कॉन्जुगेट में है या नहीं है? नहीं है, अब नहीं है, तो अब इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूं आपको, नहीं होगा। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये आपके पास ले लिया आपने इस तरह का, तो आपके पास ब्रिज रिडक्शन में कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? इन दोनों ने रिड्यूस मारा, समझना, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या आप फर्दर रिडक्शन होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। और इन दोनों ने रिडक्शन मारा, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, यहां तक बन के रह जाएगा आपके पास, और ये
ये कंपाउंड ऐसा है कि सेम बन गया, लेकिन अगर मैंने यहां पर मिथाइल लगा दिया तब ये अलग हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हो गया। तो आपको आइडिया लगाना है कि ये रिडक्शंस कॉन्जुगेट एल्कीन को कर रहा है और इस तरह से कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्या होगा अगर यहां कोई और ग्रुप भी आ जाए, उसका फर्क पड़ेगा? हाँ, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल बिच रिडक्शंस के अंदर हम बात करें, मेरे पास ये बेंजीन है, दो तरह की बेंजीन हो गई, एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है यहां पर जो विड्रोल कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विड्रोइंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप कौन से होते हैं? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एनओ टू, सी एच ओ। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ओ एच, ओ आर, ओ सी डबल बॉन्ड, इस तरह के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, एन एच टू। बोलो यस और नो? तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो आपको मालूम है तीन बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है आपके पास, तो यहां किनका रिडक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। तो जब हम यहां रिड्यूस करेंगे विड्रोइंग ग्रुप है तो रिडक्शन उस तरह से होगा, इसका फर्क पड़ेगा, जहां कहीं ना कहीं हमारा कार्बोएनायन जो बन रहा है वो स्टेबल गेन करे, अटैचमेंट वो हो। तो हमें मैकेनिज्म में नहीं जाना, एक अप्रोच बहुत अच्छी है कि यहां विड्रोइंग है W है तो W बन जाएगा, बन गया W, ये देखिए इस तरह का मैंने W बना दिया। और जब डोनेटिंग है तो W नहीं बनेगा, W नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां रहेगा। क्या W बन रहा है इसे का? नहीं। तो यहां आपको W बनेगा, तो W जनरेट। W नॉट जनरेट, तो ये W बन गया आपका। तो जब भी इस तरह का हो तो रिडक्शन फाइनल ऐसा होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो W नहीं बनेगा आपका। आर यू गेटिंग? तो ये रहा आपका बिच रिडक्शंस विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लिखें इसको। हम बात कर रहे हैं यहां पर दो तरह के रिडक्शंस, एक बोल्ट ब्लांक रिडक्शंस। तो ये बोल्ट ब्लांक रिडक्शंस में हम क्या लेते हैं रिएजेंट? सोडियम और एल्कोहल, मतलब सोडियम यहां पर एक एक्टिव मेटल है और एल्कोहल हमारे पास एसिड का काम करेगा, प्रोटॉन डोनर का काम करेगा। जैसे बीच में हमारे पास सोडियम एक्टिव मेटल होता है और अमोनिया प्रोटॉन डोनर। माइल्ड ऑक्सीड, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पेसिफिक है, हर जगह यूज नहीं करना है। तो जनरली ये हमारे पास क्या करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, एसिड डेरिवेटिव्स को लेगा और फाइनल प्रोडक्ट या तो एल्कोहल बनेगा या नाइट्रोजन है तो एमीन बनेगा। तो यहां देखिए अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया तो कौन क्या बनेगा? एल्कोहल। कौन सा डिग्री रहेगा, वन या टू डिग्री? वन डिग्री एल्कोहल। और अगर आपने यहां पर कीटोन ले लिया तो एल्कोहल बन रहा है, कौन सा डिग्री? टू डिग्री एल्कोहल। और यदि आपने एस्टर ले लिया तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वन डिग्री एल्कोहल। एमीन ले लिया, वन डिग्री एमीन। एमीन तो वैसे भी इनमें वन डिग्री ही बन रही है, ठीक है। अगर आपने एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड हैलाइड ले लिया तो वन डिग्री एल्कोहल।
तो आपको क्या मिलेगा, या तो 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल या फिर एमीन। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको यही दिखेगा, तो अल्कोहल मिलेगा लेकिन 1 या 2 डिग्री, एमीन मिल रही है आपको कौन सी, 1 डिग्री। तो इज दैट क्लियर। तो ये तो है बोल्ट ब्लांक रिडक्शंस। सेकंड रिडक्शंस आपके पास है आज का, स्टीफन रिडक्शंस। स्टीफन रिडक्शन क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 और HCl। ये एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर्टिकुलर एक ही जगह यूज करना है आपको और कहीं जगह यूज भी नहीं करना है आपको, और वो है RC ट्रिपल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ये कन्वर्ट कर देता है RCH डबल बॉन्ड NH में। समझ में आता है, यानी एमाइन को साइनाइड को इमाइन में यूज कर कन्वर्ट करने के काम आ रहा है जो आप देख रहे हो। तो साइनाइड को आपने कन्वर्ट कर लिया और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो जितने भी ये डबल बॉन्ड है ये OH OH से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हो SnHCl वो रिड्यूसिंग एजेंट है, RCN सब्सटेंस है, रिडक्शन हुआ फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, तो हर पाई बॉन्ड को आप OH OH से रिप्लेस कर रहे हैं। और H किसको मिल रहा है, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में अलग हो गई और एक ही कार्बन पे दो OH आ चुके हैं जो कि अनस्टेबल हैं, तो H2O लिब्रेट करने के बाद क्या कर देंगे, ये एल्डिहाइड बनाएंगे। तो क्या इसमें कीटोन बनता है, क्या बन ही नहीं सकेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद एल्डिहाइड बनेगा, नहीं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही रह जाता। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, लिखें इसको जल्दी से। तो अब मैं बात कर रहा हूं एक बार और शॉर्ट में समझते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LAH शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये होता क्या है, LAH को ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में रखा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड है, जैसे ग्रिगनार्ड सोचते हैं उसमें R माइनस निकलता है, इसमें H माइनस निकलता है, बस अंतर ही। फिर उसके बाद देन हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं हम प्रोडक्ट को, जैसे ग्रिगनार्ड में करते थे। मैकेनिज्म सिमिलर रहेगी दोनों की, तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल और एमीन रहेगा, ये मैंने हिंट दिया है आपको। तो अब आप देख लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है। एच इधर अटैक करेगा, ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ एच आ जाए, एच एक तरफ और आ जाएगा, ये एच आ गया। ये एच आर जो है, एच का मतलब एल्डिहाइड और आर का मतलब कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो, तो ये एच इधर आएगा और फिर ये उस तरफ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डिपेंड करेगा कि अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। इज दैट क्लियर। तो दो रिएक्शन एक साथ, यानी इसका मेन काम क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स कोई भी हो, एल्डिहाइड कीटोन को रिलेटेड 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करना। तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होगा और या तो वो 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा, और एमीन तो इस जगह 1 डिग्री है ही, या फिर 2 डिग्री। तो कैसे देखते हैं, बस ये ध्यान रखना कि अगर एमाइड है, एमाइड से पहले मैं एसिड क्लोराइड ले रहा हूं, अल्कोहल बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आर माइनस आता है एच माइनस आएगा, ये सीएल निकल जाएगा, एचसीएल फॉर्म में अलग हो गया, खत्म खत्म, और आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, इस जगह तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो बाकी के जितने भी एसिड डेरिवेटिव है वो क्या बनाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री एमीन। चेक करते ये क्या बनाएगा, अल्कोहल 1 डिग्री, ये वाला अलग हो गया, RCHONH2 यानी कि एमाइड है। यहां ध्यान रखने की बात है, एसिड डेरिवेटिव्स अल्कोहल बनाते हैं लेकिन ये वाला एसिड डेरिवेटिव्स क्या बना रहा है, एमीन। एमीन बस इतना पकड़ के चलना, ये एमीन बनाएगा, साइनाइड एमीन बनाएगा, आइसोसाइनाइड 2 डिग्री एमीन बना देगा, एसिड 1 डिग्री अल्कोहल, एस्टर या एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है, 1 डिग्री अल्कोहल, NO2 1 डिग्री एमीन, और बाकी हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। हम जनरली इन्हीं के लिए यूज करेंगे, ये किसको रिड्यूस नहीं करेगा, अल्कोहल को नहीं करेगा, अल्कोहल और एल्कीन को नहीं करेगा, एल्काइन को नहीं करेगा। वैसे भी एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन होते हैं, समझ में आ रहा है, रिडक्शन हो सकते हैं लेकिन H2 ऐड हो एल्कीन एल्काइन के, लेकिन एल्केन का तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर।
तो एल्कीन एल्काइन के यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रह गया, और मैं इसको बहुत वाइड में यूज करता हूं, मतलब मेरे को जब भी रिडक्शन करना होता है ना, मैं भूल जाता हूं किसी और को, फर्स्ट चांस मेरा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, बस। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनना है आपका, साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बहुत अच्छा लगता है, जो बनाना चाहो वही बन रहा है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो और चेंज करके बाकी बाद में सोचो कुछ भी और है तो, ठीक है। तो मेरे जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, या तो मैं मेटल हाइड्रोजन ले लेता हूँ जो कि हमने पहले कर चुके, या मैं ये करता हूँ, बाकी सब स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए ही बने, दूसरी रिएक्शन में जाते हैं तो साइड प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं। अब आगे ये, क्योंकि हर उस बॉन्ड को तोड़ेगा जो पोलर है, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा लेकिन पोलर होना चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में है तो नॉन पोलर है, लेकिन इस जगह एल्कीन को भी रिड्यूस करने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड पोलर नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन में, लेकिन इस कार्बन के साथ ये क्या है, रेजोनेंस। तो ये कार्बन के साथ जब ये रेजोनेंस में है तो ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी पोलरिटी है। पक्का ये उल्टा तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर उल्टा भी आ जाता, सीधा भी चल जाता तो वापस नॉन पोलर हो जाता, एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा है, लेकिन सिर्फ जा रहा है। तो यहां पर प्लस, यहां पर क्या रहेगा, माइनस, और जैसे यहां पर प्लस और माइनस बना उसी वक्त एच माइनस ने यहां पर अटैक कर दिया और इसको भी रिड्यूस कर दिया। तो पहले कौन रिड्यूस होगा, वो, फिर उसके बाद ये भी रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल। लेकिन अगर ये नॉर्मल होता, तो कोई रिएक्शन होती क्या? नहीं, तब नहीं हो रही है। वैसे आपका दिमाग सही कह रहा है काम सर, यहां पर अभी भी इसकी देने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन वैसी नहीं होगी जो ऐसी वहां थी। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है। क्या ये पॉलर है? नहीं, जितना जा रहा है इस तरफ उतना ही इस तरफ से आ रहा है, सही है? कोई डाउट? हो गया पॉलर, हो गया फिर तो हो जाएगा, तो यहां ऑक्सीजन होते ही हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है, लिखें इसको। देखिए हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4 इन अल्कोहलिक और ईथर मीडियम। तो पहले तो समझे कि ये है क्या, ये भी एक तरह से हाइड्राइड है यानी H माइनस है, लेकिन फर्क क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इनका यूज़ हर जगह नहीं करेंगे। जैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक वाइड रेंज में यूज़ कर रहे थे, हम इनको वैसा नहीं देखेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास H माइनस ऐसी ही रिएक्शन हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। हम सिंपल सा सोचेंगे इसके लिए, हमारा एल्डिहाइड कीटोन है तो अल्कोहल, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, इसके अलावा कहीं यूज नहीं करेंगे। और एसिड हैलाइड है तो इसको ये 1 डिग्री अल्कोहल में, बाकी के कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, अदर एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स, अदर, अदर में कौन से आ रहे हैं, अदर में कौन से आ रहे हैं, अमाइट, अमाइट एनहाइड्राइड, एस्टर, कोई फर्क नहीं है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनको भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप दिमाग में बस यही बना लीजिए कि एसिड हैलाइड को छोड़ के ये किसी के साथ नहीं कर रहा, तो बस इसका काम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड, बस तीन जगह काम आ रहा है, कौन हमारा, NaBH4। बाकी एल्कीन एल्काइन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी नहीं कर रहा था तो ये भी नहीं करेगा, ये उसका छोटा भाई है, बड़ा नहीं है। तो सब जगह इसने अपना बता दिया कि मैं ये काम करूंगा, हमें और कुछ नहीं सोचना है इसके अलावा, ठीक है ना। तो बस इसका यूज यही है कि एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है या एसिड हैलाइड को करना है, अदर कोई काम नहीं है, हम इसका यूज और चीजों में नहीं करेंगे।
ठीक है, साइड अदर करते हैं तो या तो वो होते नहीं है या साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं, तो स्पेसिफिक है कि इसका कहाँ यूज करना है, तो वो ये है। अब आगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी डाइबॉल इसको बोलते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये सब छोटे भाई हैं किसके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, वो छोटे भाई मान लो या वो बाप मान लो, ये उसके बेटे हैं बच्चे हैं छोटे छोटे, हर एक को अलग अलग काम दे दिया उसने, तो ये क्या करेगा, अंतर है। नाइट्राइल, ये कौन सा है, नाइट्राइल, ये नाइट्राइल के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, पिताजी जो इनके थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो क्या करते थे, इसको एमीन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये किस क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाएगा, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। तो नाइट्राइल को एल्डिहाइड बनाने वाले दो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एक तो स्टीफन रिडक्शन SNHCl और एक ये क्या, ये हमारे लिए क्या हो गया, एस्टर, एस्टर के साथ ये क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे तो ये उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और हाई टेम्परेचर पे ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल। पीएच ले लिया है मैंने, तो यहां पर भी पीएच करेंगे आप, और यहां पर पीएच है तो यहां पीएच हम ले रहे हैं, और यहां पर एक और बनेगा आरओएच, और यहां पर भी हमारे पास आरओएच देखने को मिलेगा, कोई समझ में आया, तो ये हमारे पास हो गया, ये काफी स्पेसिफिक है जैसा आप यहां देख रहे हो, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता तो ये भी रिड्यूस हो जाता, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां क्या ये इस जगह डाइबोल एस्टर को कर देता है, हाँ करेगा एल्कोहल में और एल्कोहल में, लेकिन अगर NaBH4 ले लेते तो ये कुछ भी नहीं करता, ना इसको करता ना इसको करता, वो तो ऐसे डेरिवेटिव्स को देखते ही पहले पूछता है तू क्या क्लोरीन लेके आया है, उसने कहा नहीं, गेट लॉस्ट, इज दैट क्लियर, ये कर सकता है एस्टर को भी कर सकता है, और ये ओरो को गेट लॉस्ट कर रहा है, ये सिर्फ किसको पकड़ रहा है, एस्टर को ऐसे डेरिवेटिव्स में, और किसको पकड़ रहा है, नाइट्राइल को, और बाकी आपके सामने, तो इसका मेन काम ये है, तो ये अंतर क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन को ही नहीं कर रहा, आप सोचो ये एल्डिहाइड कीटोन को साथ ही नहीं कर रहा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पहले जितने भी पढ़ रहे थे वो मेन किसको टारगेट कर रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन को नहीं पकड़ रहा, तो इसका मेन काम क्या हो गया, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना मेन काम, ठीक है, बाकी और मुझे तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा ज्यादा आपके पास जो भी एस्टर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना, फिनाइल कॉन्जुगेशन में लाने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ा देगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, टेम्परेचर स्पेसिफिक करना था मेरे को, 78 के साथ फिनाइल लेना था, ठीक है, इसलिए मैंने यूज किया, अगर LiHH4 ले लेते तो ये भी रिड्यूस हो जाता, ये अल्कोहल बन जाता, हाँ वो तो अभी भी कर सकता है, अब नहीं कर पाएगा, वो तो शुरू से ही करता, पहले उसको करता और फिर उसको करता, LaH अगर आपने ले लिया, तो प्रोडक्ट ये बनता, कार्बन जरूर गिन लेना, 1 2 3, 1 2 3, सही है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखो, आ गई बात समझ में, और कोई बात, ये कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसमें हम ले रहे हैं रेड फास्फोरस एंड HI, सबका बाप यानी दादाजी हमारे ग्रैंडफादर, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी बड़े हैं, समझने के लिए अलग मैकेनिज्म है, अलग तरीका है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस टू एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन, फाइनल प्रोडक्ट आपको एल्केन दिखेंगे या एमीन दिखेगी, तो अगर आज आप ये ले रहे हो किसको ले रहे हो, एल्डिहाइड या कीटोन को, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कहाँ ले जाता है, एल्कोहल तक, ठीक है, ये कहाँ ले जाएगा इसको, एल्केन तक, तो अगर यहां पर
ये है, तो ये सी एच टू एच ऑब्लिक आर एल्केन बन गया। ये आपके पास एल्कोहल है आर सी एच थ्री एल्केन, ऐसे डेरिवेटिव्स है आर सी एच थ्री अगेन एल्केन अगेन एल्केन, सबको एल्केन में बना लेगा प्लस उसको भी एल्केन ले लेगा आर एच एल्केन आर सी एच थ्री सबको एल्केन, लेकिन इसको किस में लेगा एमीन में। पक्का? यानी जितने ऑक्सीजन है उतने हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर सी एच टू एन एच टू एमीन, यहां अगेन एमीन आर एन एच सी एच थ्री आर एन एच टू। या तो आपको 1 डिग्री एमीन बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपको यहां पर क्या दिख रहा है 2 डिग्री एमीन, बाकी एल्केन। एक और बात, जितने ऑक्सीजन है वो सब H2 की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और जितने ऑक्सीजन है उससे डबल आपको क्या चाहिए हाइड्रोजन, और जितने हाइड्रोजन चाहिए डबल उतने ही आपको क्या चाहिए HI। तो आप ऐसे समझना, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं अगर यहां पर R C डबल बॉन्ड O H ऑब्लिक H ही ले रहा हूं, तो बताओ इसके लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए मेरे को इसमें कन्वर्ट करने में R सी एच टू एच, सही है, प्लस एच टू ओ, कितना हाइड्रोजन चाहिए? दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को निपटाने के लिए चाहिए, और उस ऑक्सीजन की जगह भी तो दो हाइड्रोजन मेन एलिमेंट को चाहिए, तो कितने हुए 4, तो रेड फास्फोरस प्लस 4 HI। तो इसका मतलब जितने ऑक्सीजन निपटेंगे उसे 4 गुना हाइड्रोजन की जरूरत है। देख लेना आप कितने हाइड्रोजन है, बैलेंस करना और देख लेना, सबसे अच्छा तो तरीका यही है आपके पास। लास्ट में कहां तक छोड़ के आएगा ये एल्केन तक। तो हाइड्रोजन की जरूरत दो जगह होगी, एक तो एच ऑक्सीजन को H2O में निकालने के लिए, और एक उस कार्बन में ऑक्सीजन निकली है उसकी जगह भी हाइड्रोजन चाहिए, तो खुद से बैलेंस करके आप निकाल लीजिएगा।